गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का वीडियो देख के जरूर से अच्छे हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडे इज माय वैक्सीन डे। Say something else. Today is my vaccine day. Blah blah blah. So आज के दिन का जो स्टार है वो है हिम्मत की वैक्सीनेशन। बहुत एक्साइटेड है हम हिम्मत की वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, बार बार हाथ धोता है, वो बहुत ज़्यादा टेक केयर करता है, तो थोड़ा वो रिलीफ हो जाएगा। और मैं हिम्मत की वैक्सीन के लिए जाने वाली हूँ, और मुझे ऊबर में जाना पड़ेगा क्योंकि घर में गाड़ी नहीं है। हस्बैंड गाड़ी लेके गए हैं, उनकी मीटिंग्स हैं, और हो सकता है कि आज शाम को हमारे घर में दोस्त आएँ एंड फिर डिनर पार्टी होने वाली है। सो जो मेन चीज़ थी इस आज के दिन की हिम्मत की वैक्सीनेशन, वो हिम्मत अपने आप आपको इन्फॉर्मेशन दे के चला गया है। अभी अभी मैंने सूप पिया है, उसमें से आलू नहीं खाए हैं मैंने। आजकल ना मैं मिनेस्ट्रोनी सूप बना रही हूँ घर में, वेजी मिनेस्ट्रोनी सूप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने ऑलिव गार्डन में खाया था जब हम US गए थे, आई थिंक अल्बर्टा में भी है ऑलिव गार्डन। सो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है उनका सूप, तो उसको मिमिक करके मैंने एक सूप बनाया है, बिल्कुल वैसे ही बनता है, मुझे बहुत टेस्टी लगा। और जितनी जब मैंने पहली बार बनाया, उससे बाद मैंने 3-4 बार ऑलरेडी बना लिया है। जब मैं ये सूप बना रही थी, मेरा मन था कि मैं आपके साथ क्विक सी रेसिपी शेयर कर दूँ, फिर मैंने लगा कि यार जल्दी जल्दी कुक कर लेते हैं, बाद में करूँगी, पर या मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी ताकि आप भी इसका मज़ा उठा पाएँ, क्योंकि जब ये ठंडा ठंडा मौसम आता है ना तो सूप पीने में बहुत मज़ा आता है, और ये सूप काफ़ी ज़्यादा डिलिशियस बनता है एंड बहुत ज़्यादा आसान। हिम्मत को भी अच्छा लगा, और मैंने इसमें वो सारी सब्जियां ऐड करी थी जो मैंने मुझे उनके मिनिस्ट्रोनी में मिली थी, जैसे पटेटोज, टमाटर, जुकीनी, बीन्स, कॉर्न्स एंड पिंटो बीन्स। सो काफ़ी अच्छा सूप बना। अब सूप की वाहवाही कम करते हैं। सो 1:50 ऑलरेडी हो चुके हैं, हिम्मत की अपॉइंटमेंट है 2:50 पर जहाँ पे मुझे जाना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सो मैं एक गर्मा गर्म कप चाय का पी लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह से मुझे एलर्जीज हो रही हैं दोबारा से, क्योंकि मैंने मेरी एलर्जी वाली मेडिसिन लेनी बंद कर दी है, क्योंकि अब मुझे लगा कि फॉल हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। बट आई डोंट नो अगर आप मेरी आवाज़ से सुन पा रहे हैं या नहीं, पर फिर से हो गया मुझे। पिछला हमारा अराउंड 8-10 दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक निकले, क्योंकि हमने हमारा घर सेल किया है, हमारा घर बिक चुका है बाय द वे। सो क्योंकि घर खाली करना पड़ता है आपको हर टाइम, क्लीन करो, घर खाली करो, क्योंकि लोग देखने आ रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा घर देखने के लिए आए कि क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा पज दौड़ वाले दिन थे, और मैं बंदा हूँ मुझे रिलैक्स करना अच्छा लगता है, लाइक किताब पढ़ना अकेले बैठ के, पर मैंने हमेशा इधर उधर भजना पड़ा, और सुबह से लेके रात के 9 बजे तक हमें कहीं ना कहीं पर रहना पड़ता था। एंड पूरा हफ्ता ऐसे निकला, मुझे लगता है 6 डेज हमारे ऐसे निकले, 7th डे घर बिक गया। सो ये काम तो फिनिश हो गया, अब मैं पिछले कुछ 2-3 दिन से रिलैक्स कर रही हूँ। मैं मेरी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होने दे रही हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में एक्सट्रीम पेन रहा इन दिनों। मेरे पैर इतनी बुरी तरह दुख रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मुझसे सीधा तला चला नहीं जाता, तो मैं टेढ़ा टेढ़ा चलती हूँ। एंड मैंने मेरी रूमेटोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट भी बुक की, कि मैंने गलबात की कि मेरे सारे टेस्ट दोबारा से कराओ, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैंने उससे बताया कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था करने के लिए, शायद उसकी वजह से मेरे पैरों में इतना दर्द है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो रूमेटॉइड एग्रीवेट, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादा तो नहीं हो रही है मेरे पैरों में। सो उसने पैरों का एंड हाथों का एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड मुझे ऑर्डर कर दिया है, सो कमिंग वीक में करवाऊँगी मैं। आज तो सैटरडे है, सो होपफुली मैं मंडे कराऊँगी, एंड बाकी भी सारे मैं टेस्ट दोबारा से करवा रही हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत मज़ेदार नहीं चल रही है अभी। वैसे मुझे लगता है कि ये एनी पज दौड़ की वजह से भी हुआ होगा। वैसे भी मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ, क्योंकि बाद में बम फुटे उससे पहले ही आपको पता हो और आप पहले ही ट्रीट शुरू कर दें। सो ये है मेरा हेल्थ अपडेट। एंड जो मेरा स्टूडियो था, मेकअप रूम था, उसको सारा उथल पुथल हो गया है, पर मैं मेकअप की वीडियो शूट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेकअप की वीडियोस शूट करने मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मेकअप की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आएंगी, प्यारी प्यारी मेकअप लुक्स एंड इजी ट्रिक्स एंड टिप्स। सो दैट्स दैट। अब चाय पी लेती हूँ एंड फिर हम चलेंगे हिम्मत की वैक्सीनेशन की। ऑलराइट, तो मुझे कोई पूछ रहा था कि आप चाय कैसे बनाते हैं। सो चाय बनाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ये जो मशीन है, सो ये है कॉफ़ी मशीन, इसका ब्रांड का नाम है क्यूरिग, मैं क्यूगर बोलती रहती हूँ, क्यूरिग है, क्यूरिग, ओके गुड। सो इसमें मैं ये वाला केक कप डालूंगी, अगर मुझे कॉफ़ी पीनी हो तो मैं कॉफ़ी वाला डाल लेती हूँ, मुझे स्टीप टी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट समटाइम मैं कॉफ़ी भी पीना पसंद करती हूँ। सो इसे ओपन करेंगे और इस केक कप को इसके अंदर कर देंगे फिट, समथिंग लाइक दिस। इसे हम करेंगे क्लोज,
कप को रखेंगे थल्ले एंड लार्ज कप पे मैं क्लिक कर दूँगी। कॉफ़ी बन के आ जाएगी, इसमें मैं थोड़ा सा शुगर ऐड कर लूँगी एंड थोड़ा सा ही क्रीम, अ ड्रॉप, अ डैश। You remember we did a new view, like a video about viewing this coffee machine. If you saw that, please like this right now. The like button is right here down. So if you see this weird square, press it and then it will like make that screen small. And then you scroll a little down and then the like button, subscribe, the bell will be there. So please do it, and I'm just gonna point, where is it? It's a subscribe! Okay, Mimi, are you excited or scared about your vaccination today? Excited, so I can take off the mask, take off No, you can't take off the mask, but it's little relief, right? Mm-hmm. And you not scared about the needles? So, ये है मेरी चाय, इसमें चम्मच ऐड कर देते हैं एंड 10% क्रीम डालूंगी मैं, दैट्स इट आई थिंक। सो यस, इस तरह की मेरी चाय लगेगी एंड हम रेडी हैं ड्रिंक करने के लिए। हमारे यहाँ पे आज कितने दिन के बाद थोड़ा सनी दिन है एंड अब जब मैं वीडियो बनाने शुरू की है मैंने, तो अब ग्लूमी हो गया है और विंडी है वैसे बहुत। जब मुझे एलर्जी का दौरा पड़ता है ना नोज़ को, तो चाय पीने से रिलीफ मिलता है थोड़ी देर के लिए ना, अदरवाइज रनी 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 एंड बहुत ज्यादा स्नीज होता है। गाइस इट्स अबाउट टू रेन, ओह नो। ओके सो मैंने लास्ट वाले वीडियो में कहा था कि जो भी मैं ब्लैक फ्राइडे के लिए चीज़ें खरीदी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये टी शर्ट ली है मैंने, हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि इसमें क्या खास है, कुछ खास नहीं है, पर मैंने लगता है कि ब्लैक टी शर्ट मेरे पास जितनी हो उतना कम है क्योंकि मैं बहुत पहनती हूँ एंड बेचारी की बैंड बच जाती है, तो जब नई टी शर्ट पहनूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी इसकी जो नेकलाइन है प्यारी है, राइट, ऐसे राउंड। सो इसको मैंने कई रंगों में ले लिया है, मैंने लिया है बहुत ही लाइट पर्पल, न्यूड एंड ग्रे, मतलब 6-7 डिफरेंट रंगों में लिया है एंड ये काफ़ी अच्छा एंड सॉफ्ट है, तो इसे मैं कोशिश करूँगी कि संभाल के रखूँ, सिर्फ बाहर जाने के लिए पहनूँ एंड उसके बाद चेंज कर लूँ। एंड और फिलहाल मेरे पास कोई चीज़ नहीं है दिखाने के लिए। एक और मैंने शर्ट किस्म की ली है जो मैं आपको दिखाती हूँ। डेनिम लेना चाहती हूँ बहुत समय से, पर मेरे पे कोई डेनिम फिट ही नहीं आ रही जिसकी फिटिंग मुझे अच्छी लगे, मुझे मिल ही नहीं रही वो। मैं हर एक में या तो अगली लग रही हूँ या मोटी लग रही हूँ या वो मुझ पर टाइट लग रही है या मुझ पर लूज लग रही है, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा मुश्किल स्टोर। ओके सो एक मैंने ये ली है, ये कोजी सी जैकेट शर्ट है एंड इसका रंग मुझे बहुत अच्छा लगा, ये रंग मुझे अच्छे ही लगते हैं एंड इसका ब्रांड है पिंक रोज एंड ये कुछ इस तरह का लग रहा है। सो ये अच्छा वार्म है अगर कम ठंड हो या फिर जैकेट के नीचे पहनने के लिए, टी शर्ट के ऊपर पहनने के लिए। सो यहाँ कुछ इस तरह का दिखता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा एंड आजकल इसका ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है। पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं लूँगी, वैसे ये साइज है एक्स्ट्रा स्मॉल, पर स्टिल थोड़ा लूज काइंड का है क्योंकि ये ओवर साइज किस्म का ही अच्छा लगता है। पहले मैं मीडियम ले आया है, मीडियम ने तो बहुत ही ज़्यादा काम खराब कर दिया, सो मैंने लिया है एक्स्ट्रा स्मॉल। यार हर एक ब्रांड का अलग है, कुछ पे एक्स्ट्रा स्मॉल आएगा, किसी में स्मॉल, किसी में मीडियम, किसी में लार्ज, किसी में एक्स्ट्रा लार्ज। एक्सएल एल एल नहीं आया मुझे, बट कई जगह मुझे लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज भी आता है। सो हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तू अपने आप को, दिल को तसल्ली देने के लिए कि तू पतली है इसलिए स्मॉल लेती हो, पर स्मॉल तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अब ये वाला है एक्स्ट्रा स्मॉल, क्या मैं अपने पति के दिल की तसल्ली के लिए लार्ज ले लूँ कि मैं मोटी हूँ, मेरा पति कहता है कि मोटी है लार्ज लैला। ऐसे होता है यार, किसी ब्रांड में कुछ आएगा किसी में कुछ आएगा, पर पति कहते हैं कि तुम पे स्मॉल स्मॉल नहीं है कि तू ऐसे कहते रहते हो। अब मैं उनको दिखाऊंगी कि हम एक्स्ट्रा स्मॉल। आई डोंट नो इफ इट्स फनी फॉर यू और नॉट, बट इट इज फनी फॉर मी। मुझे लगता है मैं अपना टाइम बहुत ज़्यादा कोटी कर रही हूँ, 2 बज गए हैं, मैं जल्दी से चाय पीती हूँ और हम निकलते हैं, मैं आपको बाहर जाके मिलती हूँ गाड़ी में बैठ के। ओके बाय गाइस, वी आर इन अ ऊबर नाउ। आर यू स्केयर्ड नाउ? आई एम नॉट स्केयर्ड। व्हाई? नीडल? All the best, cutie. Thanks. You're looking handsome. I like your jacket. Hi. I made it myself. Liar. Okay, so हम ऊपर में बैठ गए, हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आई थिंक 10 मिनट से कम में हम पहुँच जाएंगे क्योंकि काफ़ी नज़दीक है। सो यस, हिम्मत थोड़ा नीडल से डर रहा है, बट आई थिंक ही विल बी फाइन क्योंकि कुछ समय पहले ही इसने वैक्सीनेशन ली थी, देन ही वॉज ओके।
with a needle, right? Two vaccination you had. Good job. Guys, I got my vaccine. Was it like hard? It was painful or? A little. Little? Okay. You excited? Let's go then. ओके दोस्तों, तो हम लोग वैक्सीन लगवा के हिम्मत के घर वापस आ चुके हैं. बाहर इतना ज़्यादा विंडी है कि गाड़ी भी जब हम आ रहे थे घर वो भी मूव कर रही थी, जलजला आ रहा था. सो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है एंड अभी घर में बैठ के भी ऐसे लग रहा है कि बाहर हिल रहा है सब कुछ. आई डोंट नो क्यों इतना ज़्यादा विंडी है. आज वैसे पे 15 डिग्रीज टेम्परेचर था. आप खुश नहीं हो सकते हैं कि ओ बहुत अच्छा मौसम है. विंडी ने सारी तबाही मचा के रखी. समय हुआ है 4:30 एंड मैंने अर्लियर बताया था ना, हमारे कोई दोस्त आने वाले हैं आज एंड मैंने एक और दोस्तों को भी इनवाइट कर लिया है. हस्बैंड का भी कोई मैसेज नहीं आया है कि हम डिनर में क्या करेंगे. वो कह रहे थे कि मैं कोई बाहर से फूड लेके आऊँगा आज, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई स्नैक बना लूँ. वैसे हम लोग बना सकते हैं आलू पैटीज. उसके लिए आलू बॉयल कर लेती हूँ, तो आलू पैटीज खा लेंगे और उसके बाद हम खा लेंगे. लेट्स चेक, डैडी के साथ चेक करते हैं कि वो कैसे आते हैं. दोस्तों मेरे चेहरे के बच चुके हैं 12. वीडियो शूट करने की कोशिश की मैंने, पर हम लोग इतना व्यस्त हो चुके थे. अब 2 बज रहे हैं रात के एंड मैंने सोचा कि जल्दी से फ़ोन पे वीडियो को एंड कर देती हूँ. एंड यस, एंड करने के लिए आई हूँ. मज़ा आया आज बहुत 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 हंसे हम कितनी देर के बाद. एक्चुअली एक हमारे दोस्त है जो US वापस जा रहे हैं हमेशा के लिए, मूव हो रहे हैं US, तो उनका ये गुड बाय काइंड ऑफ फेयरवेल डिनर था. सो यह पैटीज बनाना चाहती थी मैं, पर मेरे पास पफ पेस्ट्री नहीं थी फ्रीज़र में, मुझे लगा कि है. सो प्लान कैंसिल हो गया, बट हस्बैंड ने फिर लेके आए थे फ़िश पकौड़े. या मज़ेदार हमारा डिनर हुआ, मज़ा आया बहुत. सो ये व्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं. मैं आपको कल मिलती हूँ नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट.